मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस चैनल में मैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 जिसमें सेल डीड के प्रावधानों को अर्थात विक्रय विलय क्या होता है बतलाने जा रहा हूं। सेल डीड के संबंध में सेक्शन 54 में प्रोविजन दिए गए हैं, कोई भी अचल संपत्ति या इमोवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सेल डीड के द्वारा कैसे किया जाता है। इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जब उस इमोवेबल प्रॉपर्टी की कीमत या तो चुका देता है, चुकाने का वादा करता है, और उस प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा होने पर उसमें निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अचल संपत्ति का डिटेल देते हुए उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसके लिए प्रॉपर्टी का बाद में कब्जा देना भी आवश्यक होता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) में ये व्यवस्था या प्रावधान दिया गया है कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तभी उसकी वैधता या वैलिडिटी मानी जाएगी। इसके लिए बेची जाने वाली प्रॉपर्टी का डिटेल, कौन उसको बेच रहा है, सेलर का पता, बायर का पता, उसके डिटेल, उसके सभी दस्तावेज जिनके द्वारा उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, तथा लीज होल्ड पर तो नहीं है प्रॉपर्टी, इसका डिटेल फ्री होल्ड है कि नहीं है, दूसरा एंसेस्ट्रल है कि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है, क्यों बेच रहा है, एनओसी वगैरह अनापत्ति प्रमाण पत्र जहाँ वो प्रॉपर्टी स्थित है वो लेना आवश्यक है, कंसिडरेशन के पेमेंट कब और किस मोड में किया जा रहा है इसका डिटेल भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी किराए पे है तो उसकी डिटेल देंगे, तथा किराएदार को इसकी सूचना भी दी जाना आवश्यक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को का लोकेशन क्या है, उसका मूल्य कितना है, उस एरिया की क्या वैल्यू उस एरिया में है, एरिया का DLC रेट क्या है, और कंस्ट्रक्टेड है तो किस उसकी क्या दिशाएं हैं, किस दिशा में क्या स्थित है, टाइटल उसका कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, उस पर कोई लोन और एनकम्बरेंस कोई बाधा आदि तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोन यानी कर्जा आदि तो नहीं लिया गया उस प्रॉपर्टी पर, ब्लूप्रिंट से 2 फोटोग्राफ आदि स्टैम्प पेपर में वो लिखी जाएगी। इन सब बातों के अलावा आधार कार्ड उस व्यक्ति का, सेलर बायर का लिया जाएगा, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ आदि रहेगी, फोटो आदि होगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, प्रॉपर्टी की टाइटल की क्या स्थिति है, 2 उसमें फोटो 2 विटनेस आदि भी लगेंगे, तथा पार्टीज के हस्ताक्षर प्रत्येक सेल डीड के पेज पर किए जाएंगे, उसमें स्टैम्प पेपर जो भी स्थिति है उसमें लगाए जाएंगे। फॉर्मेट एक भरा जाता है जो पार्टीज का 2 कॉपी में होगा, इसमें सेल डीड का 1 रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रख ली जाएगी, दूसरी जो कॉपी है वो रजिस्ट्रेशन के बाद खरीदार को दे दी जाएगी। इस प्रकार सेलर बायर यदि नहीं आ सकते हैं, वैसे तो आना आवश्यक है, तो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी उसे अधिकृत करके वो सेल डीड करा सकते हैं। स्वयं उपस्थित होंगे तो उनको तो अपना थंब इम्प्रेशन आदि देना होगा, सारे हाथों पर वो काली शाही से उनके अंगूठे आदि और हस्तक वो लिए जाएंगे। सेल डीड का एंडोर्समेंट बाद में 4 महीने के अंदर करके रजिस्ट्रार उस ऑफिस में बुक नंबर वगैरह डालेगा, एंट्री नंबर डालेगा, और 4 माह के अंदर पूरी जाँच पड़ताल करेगा प्रॉपर्टी की भी और सेलर बायर की, कि वो वास्तव में सही है कि नहीं, तो वो 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 23 में जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुई है 4 माह के अंदर इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करने का प्रावधान है। इस प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में सेल डीड अर्थात बेनामी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रावधान बताया गया है, और 100 रुपये से अधिक की संपत्ति होने पर इसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है, प्रॉपर्टी का कब्जा देना भी आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) में इसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, बेची जाने वाली प्रॉपर्टी की सारी डिटेल बोनाफाइड उसमें अर्थात सद्भावनापूर्वक सही सही रजिस्ट्रार के यहाँ बतानी होगी, पेमेंट अगर फेल हो जाता है और उसमें अगर कोई क्लॉज सेल के उसमें रजिस्ट्री में इस तरह का उल्लेखित नहीं है तो वो सेल डीड जब तक कोई स्पेसिफिक उसके अंदर ऐसा क्लॉज नहीं होगा वो वैलिड होगी। इस प्रकार मैंने सामान्य भाषा में, सरल भाषा में आपको सेल डीड के प्रोविजंस को बतलाया। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं निवेदन करता हूँ कि अपने मित्रों तथा दोस्तों को इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।